मैं आते आते धर्मेंद्र भाई से पूछ रहा था कि भाई साहब हमारे जो माइनिंग के समय हमने कुछ बदलाव किए उससे क्या फर्क पड़ा होगा उड़ीसा में। मित्रों इतना ही फर्क पड़ा कि आमदन 10 गुना ज्यादा बढ़ गई, 10 times। माइनिंग के क्षेत्र में जहां 5,000 करोड़ नहीं आता होगा वहां 50,000 करोड़ आता होगा, लेकिन उसको लाने के लिए रेल परियोजनाओं का लाभ कहां पर है? अगर ट्रैक ही नहीं होंगे तो ढुलाई कैसे कर पाओगे? यूपीए की सरकार के समय मात्र 5,190 करोड़ रुपया 5,190 करोड़ रुपीज वॉज स्पेंट ड्यूरिंग द यूपीए टाइम, एंड इन द एनडीए टाइम 56,818 करोड़ रुपीज, लगभग 11 times मोर, 11 गुना ज्यादा पैसा। अगर सड़क से ढुलाई करनी हो तो क्या होगा? तो वहां जब 4,160 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द यूपीए टाइम एंड नाउ 28,251 करोड़ रुपीज, 7 गुना ज्यादा। आने जाने के लिए चाहे यात्री हो या माल भाड़ा हो दोनों को ही लाभ रेल और सड़क की दृष्टि से दिया है। और जहां मैं ग्रामीण सड़कों की बात करता हूं, अटल जी की देन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, किस तरह से मोदी जी ने उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाके गांव गांव तक पहुंचाने का कार्य किया। एक समय था जब टैक्स कलेक्शन होती थी लेकिन उतना पर्याप्त, जिससे विकास नहीं हो सकता था। वन नेशन वन टैक्स, ये हमारी पार्टी हमारी सरकार लाई और आज अंतर देखिए राष्ट्रीय स्तर पे क्या है और उसका उड़ीसा पे क्या फर्क पड़ता है। प्री जीएसटी और अब में बहुत अंतर है, मैं प्री जीएसटी में भी छोड़ देता हूं सर, हम जीएसटी की अभी की बात करते हैं, प्री कोविड लेवल की 2 साल पुरानी। 90,000 करोड़ रुपीज मुश्किल से इकट्ठा होता था 1 महीने का, एंड व्हाट इज द कलेक्शन टुडे? 1,62,000 करोड़ रुपीज पर मंथ। उससे पिछले महीने क्या था? 1,60,000 करोड़। उससे पिछले महीने 1,60,000 करोड़, मार्च में 1,83,000 करोड़ रुपया। ऑन एन एवरेज 1,60,000 करोड़ रुपीज अगर आपकी कलेक्शन होनी शुरू हुई तो उसका बहुत बड़ा लाभ मेरे राज्य उड़ीसा को मिला। पहले एनुअल कलेक्शन जो टैक्सेस की थी वो यूपीए के टाइम पे लगभग 12,428 करोड़ रुपीज थी, जो अब बढ़कर 49,442 करोड़ रुपीज, 4 times मोर। अब मैं सारे आंकड़े पे जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, आई कैन गिव यू अ सम अप कि क्या क्या हमने दिया है। यूपीए के टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी 2,63,243 करोड़ रुपीज वर गिवन बाय द यूपीए टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ ओडिशा, 2,63,243 करोड़, और अब बढ़कर हो गया है 18,83,654 करोड़ रुपीज, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी सरकार की है वो यूपीए की लुक इससे कई गुना बेहतर है। वो केवल देखने की बात करते थे, यहां एक्शन बोलता है मोदी का कि उड़ीसा के लिए और पूर्वोत्तर के लिए क्या किया है। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, जो पोर्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे एक्सपोर्ट्स की बात हो ट्रेड की बात हो उसको एक बल मिल रहा है और इसका लाभ हमें भविष्य में कैसे मिलने वाला, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वेल G20 itself इज अ ग्रेट सक्सेस। अगर हम G20 की प्रेसिडेंसी की बात करें तो एक बंद हॉल में नहीं हुई हो, देश के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज में 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग हुई। आर्ट कल्चर ट्रेडिशन इसको दुनिया भर को दिखाया गया एंड वर्ल्ड वॉज अमेज टू लुक एट द कल्चर ऑफ इंडिया, द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, इट्स गोना गिव बूस्ट टू द टूरिज्म।
और आप देखिए केवल वही नहीं, भारत में निवेश को बहुत बल मिलने वाला है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।